हाय गाइस, हाय, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग, कैसे हैं सब बच्चे? गुड इवनिंग बेटा जी. आज सब बच्चे चाहिए, सब बच्चे आ जाओ फटाफट. ओके, यस, हाय, हाउ आर यू? आ जाओ फटाफट से. मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, आप कैसे हैं बताइए. यस, हाउ आर यू? ओके, यस. सो आज बेटा हमने बड़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बात करनी है. दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिसिंग एनसीईआरटी क्वेश्चन. आई बिलीव ये सेशन चाहे प्लस हो, चाहे नॉन प्लस हो, चाहे आइकॉनिक हो, हर बच्चे को ये सेशन लगाना चाहिए. एंड आप इस सेशन को स्टार्ट होने से पहले अपने सारे मित्र गणों के साथ शेयर कर दो, है ना. आपके मित्र हैं, भ्राताश्री हैं. अब मुझे पता नहीं बहन को यार इतनी शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं. अगर भाई भ्राताश्री है तो बहन क्या होती है? गाइस, बहन क्या होती है? इफ भाई इज भ्राताश्री, माताश्री, पिताश्री, देन बहन इज भागिनी. रियली बहन श्री? ओके ओके, चलो जो भी होता है, बहन जी बोल लो अपनी बहनों को, भाइयों को, सबको बेटा. पुत्री पुत्री तो उसके लिए हुई ना, फादर के लिए पुत्री हुई, बट भाई के लिए बहन क्या हुई? बहन बती. रियली, आपने महाभारत रामायण देखा हुआ है? उसमें आया होगा भ्रातिश्री, भागिनी. मेरे को ज्यादा वोट्स भागिनी के लिए आ रहे हैं. मे बी दिस इज द राइट आंसर एंड आई एम नॉट श्योर. मेरे को इतनी हिंदी नहीं आती, इतनी डीप वाली. ये संस्कृत हो गई, ये हिंदी भी नहीं होगी, ये संस्कृत होगी. ठीक है, तो सबको बेसिकली क्या कर लो, ये सेशन को कर दो शेयर. ठीक है, फटाफट से शेयर शेयर कर लो. कोई दोस्त है? दोस्तगण भी नहीं है, चलो जो भी है तुम्हारी जिंदगी में उसके साथ शेयर कर लो और आ जाओ. चलिए बात करेंगे हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिसिंग एनसीईआरटी क्वेश्चंस. आज बड़ी इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में मैं बताऊंगी आपको. सब लोग एनसीईआरटी खोल के बैठना, आज तुम्हारा टेस्ट होने वाला है. आज आपका एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट है. सब्जेक्ट नहीं पूछूंगी ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कोई सब्जेक्ट नहीं पूछूंगी, बट फिर भी एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट है तुम्हारा. ठीक है, सबसे पहले देखते हैं बेटा इस टेस्ट में कौन अच्छा परफॉर्म करता है. एक मेरी रिक्वेस्ट है बेटा, एनसीईआरटी खोलना नहीं, एनसीईआरटी खोलना नहीं. कैन यू बी ट्रू टू योर सेल्फ? फर्स्ट मुझे आपका टेस्ट लेना है. आप एनसीईआरटी खोलेंगे नहीं लेकिन उसके लिए, ठीक है? कैन यू गाइस बी ट्रू टू योर सेल्फ? है, ले लो टेस्ट. एनसीईआरटी खोलेंगे नहीं, चीट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी चीट नहीं करेंगे. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड. यस, सो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है. आपने 11th और 12th की क्वेश्चन क्या था? हाँ, मुझे याद आ गया. एनसीईआरटी आई होप आपने खोली नहीं है. आई वॉन्ट टू आस्क विच इज द फर्स्ट यूनिट ऑफ 11th क्लास. प्लीज अपनी सोच से बताओ यार, पता तो बताओ. फर्स्ट यूनिट ऑफ 11th क्लास. कोई एनसीईआरटी नहीं खोलेगा, मुझे पता होना चाहिए कि तुम्हें एनसीईआरटी कभी इंडेक्स देखा भी है कि नहीं देखा है. इंडेक्स आपने एनसीईआरटी का देखा भी है कि नहीं देखा है? हाँ जी, पहला पहला बेटा यूनिट का क्या नाम है? चलो ये तो तुमको पता था, गुड. क्लास 12th में फर्स्ट यूनिट का क्या नाम है? क्लास 12th में इंडेक्स जरा बताइए, फर्स्ट यूनिट का नाम बताइए क्लास 12th में. यस, वेरी गुड, दैट इज गोइंग टू बी रिप्रोडक्शन. ठीक है, ओके. व्हाट इज द नेम ऑफ द सेकेंड यूनिट ऑफ क्लास 11th? सेकेंड यूनिट का नाम बताओ. चैप्टर नहीं पूछा है, यूनिट पूछा है. यस, सेकेंड यूनिट का नाम कुछ बच्चों ने सही बताया है, दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. इससे पता चलेगा तुमने एनसीईआरटी कितनी बारी देखी है. थर्ड, सेकेंड यूनिट का नाम इन 12th क्लास. यस, सेकेंड यूनिट का नाम इन 12th क्लास, दैट इज गोइंग टू बी जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन. ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ द थर्ड यूनिट इन क्लास 11th? थर्ड यूनिट इन क्लास 11th, यस, सेल एंड सेल साइकिल. सेल एंड सेल साइकिल, ओके. फोर्थ यूनिट इन क्लास 11th? फोर्थ वन,
यस प्लांट फिजियो, हाँ जी प्लांट फिजियो एंड मॉर्फोलॉजी, एंड द फिफ्थ यूनिट इज गोइंग टू बी प्लांट. यू नो व्हाट वन स्टूडेंट रोट, उसने फिजियो को यहाँ पर लिखा प्लांट फिलोसफी. बेटा प्लांट फिलोसफिया भी देता है, मुझे तो पता ही नहीं था. प्लांट फिजियो को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और वो लिख रहा है प्लांट फिलोसफी. ठीक है, एक ह्यूमन फिलोसफी भी है फिर अपना अगला यूनिट, तो वही है ना, अगला यूनिट इज ह्यूमन फिलोसफी. ह्यूमन भी बेटा आपकी फिलोसफी देगा यहाँ पर, है ना. चलो इधर के यूनिट्स बता दो बेटा फटाफट से. थर्ड यूनिट इन क्लास 12th इज गोइंग टू बी, हाँ जी थर्ड यूनिट बायोटेक, आर यू श्योर? बायोटेक और बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर. यस नेक्स्ट यूनिट इज बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर. एंड इससे अगला वाला कौन सा रहेगा? बायोटेक्नोलॉजी, छोटा सा यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी. एंड द लास्ट यूनिट इज गोइंग टू बी इकोलॉजी. ठीक है, तो ये आपके पास पांच पांच यूनिट्स हैं, पांच इलेवेंथ में हैं, पांच कहाँ है, ट्वेल्थ में है. हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या जो नीट के पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, जो 360 मार्क्स का पेपर आता है, क्या ये सारे 360 मार्क्स फ्रॉम एनसीईआरटी है? इज द आंसर इज येस और नो? क्या सारे के सारे क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन आए थे बेटा इस बार, क्या 200 के 200 क्वेश्चन डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी है? क्या एनसीईआरटी से पेपर आता है? पेपर यस, इसका आंसर यस है बेटा, नो नहीं है. पेपर यस एनसीईआरटी से आता है, बट इसमें एक बट लगा रही हूं मैं, लेकिन इसमें से अगर 200 क्वेश्चन है तो तकरीबन 180 क्वेश्चन आपके यूजुअली डायरेक्ट आते हैं, और जो बचे हुए 20% है, 20 क्वेश्चन है बेटा, ये जो 20 क्वेश्चन है ये इनडायरेक्टली एनसीईआरटी से आते हैं, बट आते वहीं से हैं. यानी कि कंप्लीट पेपर इज एनसीईआरटी बेस्ड, कंप्लीट पेपर बेटा जी इज एनसीईआरटी बेस्ड, लेकिन सारे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चन बेटा यहाँ से इनडायरेक्ट होंगे. अब इन इनडायरेक्ट क्वेश्चन के लिए बेटा क्या एनसीईआरटी इज सफिशिएंट? इज, फिर सवाल आता है, दैट इज एनसीईआरटी सफिशिएंट टू क्लियर नीट एग्जामिनेशन? हाँ जी देखिए, अब ये जो क्लियरेंस है ये आप पे डिपेंड करती है कि तुमको क्लियर 720 नंबर से करना है, तुमको क्लियर 650 नंबर से करना है, तुमको क्लियर 620 से करना है. देखिए जिसके भी 620 प्लस मार्क्स है, चाहे 650 है, 720 है, 700 है, 620 है, सबको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा. किसी में बेटा 620 प्लस है तो तुम कहीं ना कहीं तो अड़ जाओगे. लेकिन अब तुम्हें कैसा गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए भैया? तुमको चाहिए एम्स, 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 एम्स. तुमको चाहिए कि नहीं यार मुझे मेरे घर के नजदीक वाला गवर्नमेंट कॉलेज दे दो, मेरी स्टेट वाला, अब मुझे ज्यादा इतना कोई लोड नहीं है, मुझे एमबीबीएस करनी है. या फिर तुमको चाहिए कि चलो डिसेंट सा कॉलेज होना चाहिए. अब जितने आपको मार्क्स चाहिए उतना मेहनत करना पड़ेगा. अगर बेटा आपको मार्क्स चाहिए 720, देन इस क्वेश्चन का आंसर है नो. इज एनसीईआरटी सफिशियंट टू क्लियर? देन इस क्वेश्चन का आंसर है नो, इट इज नॉट सफिशियंट इन सम. यहाँ पे मैं स्टार लगा देती हूँ, इन सम चैप्टर्स, कुछ चैप्टर्स के लिए तो सफिशियंट है, बट इन सम चैप्टर्स इट इज नॉट सफिशियंट. अगर बेटा आपको मार्क्स चाहिए 620, यस, इधर 650, यस, बस एनसीईआरटी से ऊपर जाओ ही मत, 650, 620 तो आराम से ले जाओगे. अब बेटा आप अपना टारगेट मुझे खुद बताइए कि आप इस टाइम पे किस लेवल पे हैं, और क्या आप 6 महीने पढ़ के 720 कर सकते हैं? अभी इस टाइम पे आपका लेवल क्या है? यू ऑल नो योर लेवल, सब लोग टेस्ट देते हैं, सबको पता है कि मेरा 100 में से कितना परसेंट हो चुका है, बताओ कितना परसेंट हो चुका है? हाँ जी अप्रोक्सीमेटली बच्चे बोल रहे हैं 50% हो चुका है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 60% हो चुका है. देखिए जो तो बच्चा 50% से ऊपर चल रहा है कि हाँ जी मैम मेरा 50% सिलेबस हो चुका है, बस रिवाइज करना बचा है, 50% मुझे नया करना है, ये बच्चा फिर भी कर सकता है. यस यस यस,
यू कैन डू। आपको अगर मैं एनसीईआरटी के साथ साथ एक्स्ट्रा भी पढ़ाऊंगी तो आप 720 ले जाओगे। देखो एक्स्ट्रा तो मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन तुम्हारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। क्षमता मतलब तुम्हारे पास समय होना चाहिए। भैया आपका अभी सिलेबस ही 30% हुआ है, 30% में 70% तुमने अभी कवर करना है, तो तुम्हारे पास कहाँ टाइम है एनसीईआरटी से ज्यादा पढ़ने का? टाइम ही नहीं है, है ना बेटा? ऐसा नहीं है तुम कर नहीं सकते हो, यू कैन डू, बट तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। अगर तुम्हारा 70% सिलेबस अभी बचा हुआ है, अगर अभी 60% सिलेबस बचा हुआ है, अगर अभी 80% सिलेबस बचा हुआ है, फिर तो बेटा टाइम नहीं है। अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं जिसका 80% अभी बचा हुआ है या 70% बचा हुआ है, तो आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ें, बस इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। लेकिन अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं कि यार सिर्फ 50% बचा है या फिर 40 बचा है, 20 बचा है, 10 बचा है, तो आप एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा जाएंगे, फ्यू चैप्टर्स में जाएंगे। यस, फ्यू चैप्टर्स में जाएंगे। देखो मैं यहाँ पर जितनी भी बात कर रही हूँ, बायोलॉजी की बात कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर जो यूनिट्स भी लिखे हैं, ये कौन से लिखे हैं? बायो के यूनिट्स लिखे हैं। देखो बायो के लिए तो आई एम एक्सपर्ट। मैं लास्ट में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगी, और एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट, वेरी बिग अनाउंसमेंट इज गोइंग टू कम ऑन 26th। इट्स अ काइंड ऑफ न्यू ईयर बंपर फॉर एवरीवन, ठीक है? न्यू ईयर पर लॉटरियां निकलती है ना, वैसे 26th of December को आई विल लॉन्च समथिंग, एंड उस समथिंग से यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर होल बायोलॉजी विद मी, जिसमें एनसीईआरटी रहेंगे, प्लस मेरे नोट्स तो बेटा वैसे ही फेमस हैं बड़े ज्यादा, ठीक है? तो जो नोट्स हैं वो भी रहेंगे, मैं बिल्कुल हैंड रिटन कराऊंगी, एंड अगले 3 महीने में आपको 360 तक मैं लेके जा सकती हूँ। आई नो बिकॉज कि किस चैप्टर में तुमको बियॉन्ड एनसीईआरटी जाना है, वहां हम बियॉन्ड एनसीईआरटी जाएंगे। जिस चैप्टर में स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी से करना है, वैसे स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी से करेंगे। तो समथिंग बिग इज गोइंग टू कम ऑन न्यू ईयर, बट उसका अनाउंसमेंट में आपको 26th या 27th को एट मैक्स मिल जाएगा, एंड यू विल फॉल इन लव विद दैट, एंड यू विल वेट फॉर दैट ईगरली कि वो 4 दिन कब खत्म होंगे। तो अगर अब मुझे बताइए कितने बच्चे यहाँ लेस देन यू नो इस कैटेगरी में है, इस कैटेगरी में जिनका अभी 70-80% बचा हुआ है, प्लीज सच बोलना, प्लीज बेटा सच बोलिए। लेस देन 70 पे है कितने बच्चे? ओ माय गॉड, अकेली बायो से क्या कर लोगे बेटा? बायो इज नथिंग विदाउट केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। 66% का मोर देन 70% बचा हुआ है गाइस। गाइस अब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यू हैव टू बिकम सीरियस नाउ। दिस इज बेटा, अगर तुमने अगले 2 महीने भी ऐसे निकाल दिए और तुम इसी स्थान पे रहे, तो जिंदगी बर्बाद होने टाइप्स आ जाएगी, ठीक है? ये 6 महीने ऐसे लगेंगे कि मैं क्यों मेहनत कर रहा हूँ, फिर लगेगा मैं क्यों ही डॉक्टर बनने के लिए आया था। तो मेरा सीरियस रिक्वेस्ट है इस कैटेगरी से जिसका 70-80% अभी बचा हुआ है, प्लीज प्लीज सीरियस हो जाओ यार, सीरियस हो जाओ। क्या चीज तुमको रोकती है यार, क्या चीज रोकती है? 2023 बेटा इमेजिन करो, आप इस कैटेगरी में हो, जितने 2023 वाले वो इस कैटेगरी में देखे जाए, इस कैटेगरी में जाए। यस प्लीज, आप सब मुझे, सब बच्चे जो ए और बी वाले दोनों बच्चे, मुझे प्रॉमिस करिए दैट यस मैम, हम ब्लाइंडली बायो पे तो आप पे ट्रस्ट करते हैं। मुझे पता है यार तुम लोग मेरे पे ट्रस्ट करते हो, बायो पे इतना ट्रस्ट मैंने गेन कर लिया है ना, इतना हो चुका है मेरा, ठीक है? कि बायो में बेटा हम ब्लाइंडली आपके लेक्चर्स फॉलो करेंगे अगले कितने दिन? अगले 100 दिन। न्यू ईयर से स्टार्ट हो गए, न्यू ईयर कब स्टार्ट हो रहा है बेटा? 2nd of Jan। चलो 1st Jan तुम छुट्टी ले लेना। अगले 100 दिन कब तक होते हैं, मुझे डेट बता दो, प्लीज टेल मी द डेट। 2nd Jan से 100 days कब तक होंगे? नेक्स्ट 100 days आई नीड। जिस जो जीरो पे भी है, द पर्सन हु इज एट जीरो, जिसको बायो का कुछ नहीं आता, बस ऊपर ऊपर से आता है, उसको सब अभी अच्छे से करना है, नीट लेवल का नहीं आता है, ठीक है? जिस बच्चे को नीट लेवल का नहीं आता है, 2nd Jan से यानी कि 10th of April तक तकरीबन हम लोग 100 दिन पूरे कर लेंगे, एंड 2nd Jan से 10th of April तक का टाइम मुझे आपका चाहिए। मैं आपको 0 से लेकर 360 मार्क्स इन बायो लेके जाऊंगी, यानी इस बारी सिर्फ एक बायो नहीं रहेगी, दोनों पार्ट्स हमारे कवर्ड रहेंगे, 180 इधर 180 इधर।
कैन यू डू दिस गाइस, कैन यू डू दिस, दिस इज मस्ट मस्ट मस्ट। और जिस तरीके से मैं आपको अगले 100 दिन में बायो करा रही हूं, मैंने अप्रैल क्यों चूज किया, क्योंकि अप्रैल के बाद आपका रिविजन का समय है। रिविजन में हम लोग आपका पूरा आधा अप्रैल ले लो, चलो आधा अप्रैल प्लस मई, क्योंकि जून में पेपर हो जाएगा बेटा। अब कोई ओमिक्रॉन नहीं है, न्यूज में आ रहा है, बट पेपर डिले नहीं होगा बियॉन्ड जून। आई बिलीव जून एंड तक पेपर हो जाएगा, हम वही लेके चल रहे हैं। मुझे मतलब नहीं है कि जून में होता है, जुलाई में होता है या अगस्त में होता है, कभी भी हो, मेरा सिलेबस अप्रैल तक खत्म होना चाहिए। 10 अप्रैल मेरा टारगेट है, और वो टारगेट मैं आपके साथ, पीछे तुमने जो भी किया, जो भी तुमने किया वो भूल जाओ। डिस्ट्रैक्टेड थे, दोस्तों की दिक्कत थी, माहौल ठीक नहीं था, फैमिली में कोई इश्यू था, वट एवर यू हैव डन, आई डोंट वॉन्ट टू लिसन, आई डोंट वॉन्ट टू लिसन, बट आई वॉन्ट टू लिसन दैट फ्रॉम नेक्स्ट, you know, from next year, from 2nd of Jan, you are going to get serious. Whatever was there, beta, sabki life mein issue hai. Aapko kya lagta hai, jo topper hai, uski zindagi mein issue nahi hai, jo teacher hai, uski zindagi mein issue nahi hai, but still you have to fight the issues. Aap tabhi aage nikloge. Yes, so something big I am going to start, jisme John Jones se chapter mein completely NCERT. Main aapko batati hu beta, कौन से चैप्टर स्ट्रिक्टली हम एनसीईआरटी से करते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में पढ़नी आनी चाहिए, उसके लिए तुम्हें टीचर का सहारा चाहिए। स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी वाले यूनिट्स या फिर चैप्टर्स कौन से हैं बेटा, इस बायोलॉजी इन वेलफेयर में एक चैप्टर है स्ट्रेटजीज, ठीक है, जिसमें प्लांट ब्रीडिंग एनिमल ब्रीडिंग है, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी से। इसमें एक चैप्टर है माइक्रोब्स, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी से। ये पूरी इकोलॉजी स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी से। डाइवर्सिटी में बेटा एनिमल किंगडम स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी से, लिविंग वर्ल्ड स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी से, प्लांट किंगडम एनसीईआरटी से। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में आपका अर्थवर्म, अब तो भैया ये भी करना पड़ेगा, अर्थवर्म, फ्रॉग, कॉकरोच एनसीईआरटी से बाहर आएगा ही नहीं आएगा, ठीक है, कभी नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको कुछ यूनिट्स बता दूं जिसमें आपको बियॉन्ड एनसीईआरटी जाना पड़ता है। द मेजर यूनिट इज ह्यूमन फिजियो। ह्यूमन फिजियो में आप लिटिल आउट ऑफ एनसीईआरटी जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि आउट ऑफ एनसीईआरटी आता नहीं है, बट टू अंडरस्टैंड द एनसीईआरटी प्रॉपरली आप यहाँ जाएंगे, आउट ऑफ एनसीईआरटी जाएंगे। जेनेटिक्स, हेयर यू विल ऑल्सो गो आउट ऑफ एनसीईआरटी टू अंडरस्टैंड द लाइन्स विच आर गिवन इन एनसीईआरटी। थोड़ा सा आपको जाना पड़ेगा कॉन्सेप्ट की 100% अंडरस्टैंडिंग के लिए। रिप्रोडक्शन में ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, लिटिल बिट यू विल गो आउट ऑफ एनसीईआरटी। अब यार मेंस्ट्रुअल साइकिल एक पैरा में दिया हुआ है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक पैरा में दिया हुआ बेटा आपका एनसीईआरटी में, क्या उस एक पैरा से तुम पूरा ग्राफ समझ सकते हो मेंस्ट्रुअल साइकिल का? क्यों एलएच ऊपर गया, फिर 14वें दिन के बाद क्यों नीचे आया? जब तक तुम्हें ये नहीं पता कि एस्ट्रोजन इज गिविंग पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक, तब तक हाउ विल यू गेट इट बाय एलएच इज गोइंग, आपके कुछ डाउट्स अनआंसर्ड रह जाते हैं। इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा बियॉन्ड एनसीईआरटी जाना पड़ता है, हमें ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है। मैं ये नहीं कहती पेपर बाहर से आता है, पेपर अंदर से ही आता है, बट फिर भी एनसीईआरटी को समझने के लिए कुछ कुछ ऐसे यूनिट्स हैं बेटा जिसमें हम जाएंगे। ये भी फ्रॉम एनसीईआरटी रखिए, फ्रॉम एनसीईआरटी। बायोटेक आल्सो फ्रॉम एनसीईआरटी। सेल भी एनसीईआरटी से ही है, लिटिल बिट बाहर जाता है, बाकी ज्यादा नहीं जाता है। इसमें बाहर जा सकते हो, ठीक है, इसमें बाहर जा सकते हो। प्लांट फिजियो में थोड़ा थोड़ा बाहर जाना पड़ता है अंडरस्टैंड करने के लिए। अब क्रेब्स साइकिल है, उसको समझना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लोगे यार तुम्हारे बेनिफिट का आएगा नहीं, कॉन्सेप्ट समझने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका मेरे ख्याल से सारा अरेंजमेंट है। जैसे फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, फिजिक्स में तो बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते ही नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि फिजिक्स की एनसीईआरटी अगर तुम्हें समझ आ गई तो बेटा फिजिक्स में फुल नंबर आएंगे, बिकॉज एनसीईआरटी इज मोर कॉम्प्लेक्स देन अदर बुक्स, है ना। फिजिक्स में एनसीईआरटी इज मोर कॉम्प्लेक्स, आई बिलीव, है कि नहीं ऐसा? यस बेटा, मैं पढ़ाऊंगी बॉटनी अब, तभी तो मैंने बोला 2nd Jan 100 days, आई नीड 100 days। यस 100 दिन मुझे आपके चाहिए। 100 दिन में मैं आपके सारे पोर्शन, आपने मेधावी अटेंड नहीं किया इट्स ओके, आपने मंथन अटेंड नहीं किया इट्स ओके, आपने संजीवनी अटेंड नहीं किया इट्स ओके, आप मेरे को आज पहली बारी देख रहे हो इट्स ओके, आप मेरे से आज पहली बारी पढ़ाई कर रहे हो, आपने शायद हो सकता है आज मेरा ब्रेन वाला सेशन फर्स्ट टाइम अटेंड किया हुआ था इट्स ओके, आप हो सकता है मेरे सारे पुराने सेशन पहले देख चुके हो फिर भी इट्स ओके, अगेन यू हैव टू कम एंड रिवाइज। दिन के 2 सेशन लूंगी बेटा, दोनों सेशन से आपका साइमल्टेनियसली बॉटनी एंड जूलॉजी वाला पोर्शन
कवर हो जाएगा, लेकिन आपको अपने टीचर पर 100% ट्रस्ट करना पड़ेगा कि टीचर अगर आपको थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा करवा रहा है तो आपके बेनिफिट के लिए करा रहा है। मैं भी 100 डेज का टारगेट लेके चलूंगी कि मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, आप भी 100 डेज का टारगेट लेके चलेंगे कि मैं मैम के साथ जुड़ के अपनी तैयारी करूंगा। अब उसके लिए चाहे मुझे एक्स्ट्रा स्पेशल क्लास लेनी पड़े, तुम्हें रात में 10 बजे बुलाना पड़े, तुम्हें सुबह 6 बजे बुलाना पड़े, मैं बुलाऊंगी, बट यू हैव टू कम। तो पेपर जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिसिंग एनसीईआरटी क्वेश्चन, इसका आंसर मैं एक लाइन में दे सकती हूँ। कैन यू गिव इट्स आंसर इन वन लाइन? यस आई कैन गिव बेटा, आई कैन गिव आंसर इन वन लाइन। If you want to score 360 out of 360 in biology, you have to practice NCERT based question. देखो NCERT based question क्या है? अब मैंने तुम्हें ये तो बता दिया कि NCERT बेटा कितनी पढ़नी है, किस चैप्टर में कितनी पढ़नी है। अगला सवाल आता है कि हमें questions किस टाइप के करने हैं। Questions बेटा मैं तीन तरीके के questions हमेशा बोलती हूँ बच्चों को। पहले टाइप के question रहते हैं previous year question, PYQs are the previous year question. ये आपको लगाने last 5 years कम से कम आप लगाएंगे। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन बेटा जो हमारी एनसीईआरटी ने ही दिए हुए हैं, दैट इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करेंगे। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। आपको पता होना चाहिए यार एनसीईआरटी की एक लाइन में से कम 2 से 3 सवाल निकल सकते हैं। एनसीईआरटी की एक लाइन को एज अ फिलिंग द ब्लैंक आ सकता है। एनसीईआरटी के एक चित्र को, चित्र यानी कि डायग्राम में कुछ भी आपसे लेबलिंग पूछी जा सकती है। एनसीईआरटी के डायग्राम के नीचे जो लिखा हुआ है वो पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी की समरी जो दी हुई है वो पूछी जा सकती है। ये सारी चीजें हम उस 100 दिनों में कवर करेंगे। कोई बच्चा मुझे ये नहीं बोलेगा कि एनसीईआरटी पढ़ा दो, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ोगे तुम, लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स बनवाऊंगी मैं। यस, मेरी हर क्लास के बाद हर बच्चा उतने टॉपिक का एनसीईआरटी पढ़ेगा और आप रियलाइज करोगे कि आपके नोट्स में एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट है, उससे एक्स्ट्रा हो सकता है, एक पॉइंट कम नहीं होगा। ठीक है, तो नोट्स हम बनाएंगे, नोट्स भी पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे नोट्स ही एनसीईआरटी बेस्ड है। नोट्स को पढ़ने के बाद बेटा एनसीईआरटी पढ़ी जाती है। कुछ बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं, ये आपकी बुक है, नोट्स पता कहाँ बना रहे हैं, ये एनसीईआरटी है, नोट्स बना रहे हैं यहाँ पे, ये जो थोड़ी सी जगह दी हुई है, ये नीचे जगह दी हुई है, यहाँ लिख रहे हैं। फिर जब जगह खत्म हो जाएगी यहाँ स्टिकी नोट्स लगा रहे हैं, दो चार यहाँ चिपका लिए। दिस इज द वर्स्ट मेथड। इफ यू विल राइट ऑन योर एनसीईआरटी, ये जो बची कुची जगह है नहीं सीख पाओगे, इतना खुचर मुचर, मतलब खुद को ही समझ आएगा। आप आज लिख रहे हो कल नहीं समझ आएगा, कल का तुम 6 महीने बाद कैसे समझोगे। तुमको अपनी एनसीईआरटी को उस तरीके से रखना है कि 6 महीने बाद भी तुम पढ़ो तो तुम खुद तो समझ पाओ। इसीलिए हमेशा नोट्स बेटा अपनी कॉपी में बनाने चाहिए। यू हैव टू बाय, थोड़ी खरीदारी करनी पड़ेगी, कॉपी या फिर शीट्स, हर चैप्टर की शीट्स। शीट्स थोड़ा संभालना मुश्किल हो जाता है, बट आपकी मर्जी, आप जिस पे कंफर्टेबल है आप उस पे काम करेंगे। यस गाइज, जो मैं अब आपको कोर्स कराने वाली हूँ, दैट विल बी ऑन यूट्यूब एंड इट इज गोइंग टू बी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। 100 डेज कंप्लीट बायोलॉजी विद मी, कंप्लीट बायोलॉजी। शीट लगाओ, रजिस्टर लगाओ, कॉपी लगाओ, कुछ लगाओ। Yes. तो अब सवाल आ रहा था कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिसिंग एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। देखो जब हम नोट्स पढ़ लेंगे, मैंने आपको सेशन दे दिया, आपने एनसीईआरटी भी घर जाके पढ़ ली, आपको क्या पता मुझे याद हुआ कि नहीं हुआ। हाउ विल यू एंश्योर कि आपकी मेमोरी में गया कि नहीं गया, है ना। अब जैसे कल मान लो तुमने सूर्यवंशी मूवी देखी, एग्जाम्पल तुमने सूर्यवंशी मूवी देख ली, आज मैं तुमसे पूछूंगी कि भैया उसमें सूर्यवंशी कौन था, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, जावेद जाफरी, कटरीना कैफ, हु वाज सूर्यवंशी, बताओ हु वाज सूर्यवंशी। नो वन, एक तो था, नन ऑफ द अबव तो ऑप्शन ही नहीं है, चार ऑप्शन है, एक कटरीना कैफ है, अक्षय कुमार है और रणवीर सिंह है एंड जावेद जाफरी, चारों उसमें थे। यस, हु वाज सूर्यवंशी। एक बच्चे ने बहुत सही आंसर दिया है, मैम सूर्यवंशी इज सलमान खान, उसमें सूर्यवंशी था अक्षय कुमार। अब भैया आधे बच्चे आंसर नहीं दे पाए, आधे बच्चे आंसर क्यों नहीं दे पाए, बिकॉज उन्होंने मूवी देखी नहीं है, ठीक है। आधे बच्चे रैंडम आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे सलमान खान को आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम मैंने तो ये देखा ही नहीं, मैंने तो पुष्पा देख ली थी,
यही होता है पेपर में। क्वेश्चन कैसे आने हैं? एनसीईआरटी बेस्ड आने हैं। अगर तुमने एनसीईआरटी पढ़ी ही नहीं तो तुम कैसे आंसर दोगे? कुछ बच्चे बोलेंगे मैम मैंने तो ट्रूमैन पढ़ी थी, ट्रूमैन के अकॉर्डिंग इसका आंसर बनता है ये। कुछ बच्चे बोलेंगे कि नहीं बेटा मैं बड़ा स्मार्ट हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर सलमान खान वाला आंसर दिया वहां पर मैं तुक्का मार दूंगा और मेरे तुक्के ठीक निकलते हैं। तो बेटा वैसे ही हमें एनसीईआरटी पढ़नी इसीलिए जरूरी है, हमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस इसीलिए जरूरी है ताकि तुम पेपर में एनसीईआरटी को अच्छे से मेमोराइज कर पाओ। तुम्हें मूवी याद कब रहेगी? जब मैं आज चार सवाल तुमसे मूवी के पूछूंगी, आज चार सवाल पूछूंगी, तुम्हें अगर एक भी सवाल भूला तो तुम मूवी दोबारा देखोगे। अगर मैं तुमसे पूछ लूं सूर्यवंशी में जब अक्षय कुमार एरोप्लेन से कूदा था उसने क्या पहना हुआ था, किस रंग के जूते थे, तुम्हें नहीं याद है? तुम वापस जाओगे कि नहीं जाओगे? मूवी खोलोगे कि नहीं खोलोगे? मूवी खोलोगे, जूते का रंग देखोगे और मुझे आके बताओगे। यस, यही काम है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन का। मैंने मूवी से लिंक कर दिया, हम मूवी नहीं देखेंगे, बट व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू सॉल्व एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस? व्हाई गाइस, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? बिकॉज व्हेन यू विल सॉल्व दोस क्वेश्चन, जो क्वेश्चन तुमको नहीं आया यू विल गो बैक टू योर एनसीईआरटी, और जब आप वापस जाएंगे बेटा उस क्वेश्चन के साथ साथ चार कॉन्सेप्ट, कम से कम चार कॉन्सेप्ट और भी सीख कर आएंगे। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिसिंग एनसीईआरटी क्वेश्चन, कि आपको एनसीईआरटी को मेमोराइज करने में, लर्न करने में और एक फोटोजेनिक मेमोरी बनाने में हेल्प करता है। यस, अच्छा विच इज योर फेवरेट मूवीज गाइस? एक अपनी फेवरेट मूवी यहां बताओ। यस, एक फेवरेट मूवी बताओ। कोई मूवी नहीं है? टाइटैनिक, थ्री इडियट्स। यस, थ्री इडियट्स इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मूवी, मुझे लगता है ऑलमोस्ट हर बच्चे ने थ्री इडियट्स देखी हुई है ना? हर बच्चे ने बेटा थ्री इडियट्स देखी हुई है। यस, ऑलमोस्ट थ्री इडियट्स है, तारे जमीन पर है, थ्री इडियट्स देखी हुई है। क्या तुम्हें लगता है तुम्हें 100% थ्री इडियट्स आती है? 100% अगर एक सवाल पूछ लूं उसमें से क्या लगता है आती है? कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है, मतलब अभी फर्स्ट वाले का ही कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। अच्छा आप पूछो, बताया तो बता, हम बता देंगे। अच्छा ओके, लेट मी आस्क द क्वेश्चन, बिना ऑप्शंस का क्वेश्चन पूछूंगी, देखते हैं कौन आंसर देखता है। यस प्लीज, पोल नहीं दे रही हूं। यस प्लीज, ये क्या बात हुई? डू यू रिमेंबर हु वॉज ग्रीन चटनी? हु वॉज ग्रीन चटनी? ग्रीन चटनी, चलो एक हिंट देती हूँ, ग्रीन चटनी वॉज यू नो the fiance of Kareena Kapoor in that movie. Aha. Kuch bachche achche se movie dekh ke aaye, absolutely right. The name was, who was the real, what was the real name of Green Chutney? Real name of Green Chutney was Suhas. Yes. Ab jis bachche ne usko achche se dekha, imagine karo three idiots ek NCERT hai, NCERT ka ek chapter hai. Jis bachche ne us chapter ko achche se padha hua hai, usko yaad hai. जिस बच्चे ने नहीं भी किया हुआ, जब उसके सामने ये क्वेश्चन आएगा विल ही और विल ही नॉट गो बैक टू दैट मूवी, दोबारा से वो मूवी ओपन करेगा, जाएगा अमेज़न प्राइम पे, जाएगा नेटफ्लिक्स पे, दोबारा से वो मूवी चलाएगा या फिर गूगल करेगा हु वाज़ द ग्रीन चटनी इन द यू नो मूवी। आप या तो उस सवाल को गूगल करेंगे या फिर उस सवाल को पढ़ने के लिए वापस से मूवी खोलेंगे, वापस से एनसीईआरटी जाएंगे। यही इंपॉर्टेंस है बेटा आज के समय पे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करने की। आपकी मोस्टली जितने भी मैं टेस्ट लेती हूँ ना वो सारे एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। समटाइम्स डिफिकल्ट होता है, वो मैं टेस्ट मेंशन कर देती हूँ कि यार ये थोड़े हाई लेवल बच्चों के लिए, इट हैज हॉट्स टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। बट अगर आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे यू हैव टू गो बैक, और इससे आप एक मूवी एक बारी नहीं, दो बारी, तीन बारी, चार बारी यूज करेंगे, है ना? एक मूवी आप दो तीन बारी देख लेंगे। तो यार जब प्रैक्टिस कर रहे हो थ्री इडियट्स की, चार बारी तुमने दोबारा मूवी देख ली है तो वही होगा, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हो तुम लिविंग वर्ल्ड के, चार बारी दोबारा एनसीईआरटी खोल रहे हो तो तुम्हारी एनसीईआरटी की रिविजन हो रही है। यही हम चाहते थे। यस, यही हम क्या करते थे, चाहते थे।
तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉल्विंग एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन. अब आता है सवाल, कहां से करें? व्हाट इज द सोर्स ऑफ द एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, व्हिच इज द राइट एंड द ऑथेंटिक सोर्स ऑफ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन. तो बेटा ये जो मैं 100 डेज का प्लान आपको बताऊंगी 2 दिन के बाद, उसके बाद आई विल ऑल्सो स्टार्ट माई स्पेशल क्लासेस. I will start my special classes, जिसमें अपने लोग सिर्फ NCERT based question ही करेंगे. मैं PYQs अब छोड़ रही हूँ, अब मैं PYQs नहीं कराऊंगी, वो मैं तुम्हें कराऊंगी अब पेपर से 2 महीना पहले. अभी ये जो 100 डेज है, 100 डेज में हम लोग NCERT based पढ़ाई करेंगे. कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें एक्स्ट्रा जाना है, उसमें एक्स्ट्रा भी जाएंगे एंड साथ में हम लोग उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करते जाएंगे. लेकिन मैं ये भी सजेस्ट करूंगी कि सब बच्चे कम से कम एक बुक एनसीईआरटी बेस्ड रखिए कि कभी मेरी क्लास नहीं है, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं. यहाँ तो हम 60-100 ही कर पाते हैं, उससे ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं तो एक बुक बेटा खरीद लो. कौन सी बुक आप खरीद सकते हो? MTG खरीद सकते हो, फिंगर टिप्स. इट्स अ गुड बुक. It has lots of NCERT based and out of NCERT questions also. एक दिशा की बुक आती है, इसमें गलतियां थोड़ी ज्यादा होती हैं, बट है दिशा का आता है NCERT extract. ये तो मैंने खुद ही प्रॉमिस किया, मैं तुम्हें खुद ये मत खरीदो, ये मैं आपको स्पेशल क्लास में टेस्ट की तरह करा दूंगी. सारे क्वेश्चन टेस्ट में करा देंगे. यस, सारे क्वेश्चन बेटे टेस्ट में करा देंगे, आप बस ये खरीद सकते हैं. ऑनलाइन है अवेलेबल, बट ये भी तभी if you have the finances, if you have the resources. If you don't have, it's okay beta. Meri sari special class ki files, har chapter ki PYQs, NCERT based question mere telegram pe hai. Aur ye sari files jo maine pichle saal bachcho ko karai thi, sab kuch link tree par bhi main dalne wali hu. Link tr.ee/seep.pahuja. Aap jaake dekhenge mere sare sessions, meri sare PDFs aapko yahan mil jayenge. Theek hai, mil jayenge. बेटा आई हैव नॉट सीन अरिहंत एंड अदर बुक्स. मैंने फिंगर टिप्स देखी है, मैंने एक्सट्रैक्ट देखे, तो मुझे फिंगर टिप्स थोड़ी ज्यादा अच्छी लगती है एज कम्पेयर टू एक्सट्रैक्ट. तो एक्सट्रैक्ट के तो बेटा मैं सारे क्वेश्चन आपको खुद ही करा दूंगी. आप ये खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, अगर अभी भी नहीं खरीदी है तो. ठीक है, यस, इट्स अ बिग बुक, हरे से रंग की बुक है यार, दूर पड़ी है थोड़ी, नहीं तो मैं दिखा देती तुम्हें. ई बुक नहीं है बेटा इसकी मेरे पास. मेरे पास किसी बच्चे ने ई बुक भेजी नहीं मुझे अच्छी. मैं तो कब से बोल रही हूँ ई बुक मुझे भेज दो, but there, no one has a good scanned copy of this book. ठीक है, चलिए anyway. तो अब आपको क्या समझ आया कि हमारी तैयारी किस हिसाब से होनी चाहिए? Now what should be the order of studying? अब आप, मैं आप पूछो, मैम आपने तो बोल दिया कि यार NCERT book भी देखनी है, हमने notes भी बनाने हैं class में और हमें questions भी करने हैं, ये किस order में हम काम करें, पहले क्या करें और हमें class भी attend करनी है, चार चीजें हो गई बेटा. What should be the order? What should be the order? Order होना चाहिए कि सबसे पहले आप आएंगे क्लास में. देखो अगर तुम अभी 11th क्लास में होते तो मैं तुमको बोलती कि पहले तुम खुद से पढ़ के आओ. 11th क्लास वालों में जोश होता है, उनके पास टाइम होता है. अगर वो टीचर के पढ़ाने वाला टॉपिक पहले से पढ़ के आएंगे तो क्लास में रोब बनता है ना, इधर उधर देखते हैं, यस मैम आई कैन आंसर. बड़े बच्चे होते हैं यार जो पहले से पढ़ के आते हैं. लेकिन ये सिर्फ 11thies के लिए, 12thies एंड ड्रॉपरीज इनके लिए ये नहीं है. ठीक है, अगर आप 12th में हैं अभी और या फिर अगर आप ड्रॉपर हैं, मतलब 2022 देने वाले हैं, तो ये काम मत करना. सबसे पहले तुम लोग आ जाओ कक्षा में, क्लास में मिलेंगे. क्लास के में आपके क्या बन जाएंगे? नोट्स बन जाएंगे. नोट्स के बाद आप घर जाकर, यानी कि क्लास के बाद उसके एनसीईआरटी देखेंगे, आपको लगेगा कि यार मुझे तो सब आता है, फिर हम उसके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. यस, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टडिंग, क्लास, नोट्स, एनसीईआरटी क्वेश्चन. अगर तुम 11th में हो तो पहले बेटा एनसीईआरटी देख लेना, फिर क्लास में आना, फिर नोट्स बनाना, फिर दोबारा एनसीईआरटी देखना और फिर क्वेश्चंस करना. 11th के लिए एक स्टेप मैं ऐड कर दे रही हूँ यहाँ पर. यस, 11th के लिए एक स्टेप मैं ऐड कर लू. जिन्होंने पहले नोट्स बनाए हुए उनके लिए क्लास में आइए, नोट्स मत बनाइए, कुछ एक्स्ट्रा लगता है तो ऐड करिए, नए फ्रेश नोट्स मत बनाइए, सिर्फ आप क्या करिए, ऐड करिए. एनसीईआरटी आपको फिर भी पढ़नी है, जितनी बारी पढ़ोगे उतना कम है, सवाल फिर भी लगाने. यस, जिन्होंने पहले नोट्स बना रखे हैं वो इस स्टेप में एडिशन करेंगे सिर्फ, बाकी स्टेप्स उनके लिए क्या रहेंगे, सेम रहेंगे. जिस बच्चे के पास एनसीईआरटी का सिर्फ पीडीएफ है, कौन है वो बच्चा? क्या यहाँ पर कोई ऐसा बच्चा है हु हैज गॉट ओनली पीडीएफ ऑफ एनसीईआरटी? डू वी हैव, प्लीज टेल मी इन द पोल, जिसके पास बुक है ही नहीं, पीडीएफ है. Do we have that child? There are
14% पीपल हु हैव गॉट, ये किसके पास है? एमडी जी का पीडीएफ बेटा मुझे भेज दो, मेरा भी हेल्प हो जाएगा। कौन है ये? सरस्वती, सरस्वती कैन यू डीएम मी? एट द रेट सी पाउजा पे सर्च करो टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पे प्लीज सेंड मी दिस बुक, आई वॉन्ट टू सी। या फिर व्हाट्सएप पे, आपको नंबर पता होगा, व्हाट्सएप कर दो मुझे, ठीक है? मेरा नंबर यहाँ टेलीग्राम पे है, टेलीग्राम का लिंक मैंने डाला हुआ है, व्हाट्सएप पे कर दो। बेस्ट है मुझे टेलीग्राम पे डीएम करिए बेटा। Whoever has got MTG PDF, MTG fingertips, PYQs का PDF नहीं चाहिए, वो मेरे पास है, fingertips का चाहिए। अगर है तो भेजो, सही सलामत वाला, पेन वाला मत भेजना बेटा। I want PDF, फोन वाला PDF नहीं चाहिए, फोन से स्कैन किया हुआ, अच्छे वाला PDF चाहिए। Yes, आप मुझे भेजिए, मैं फिर पूरे ग्रुप में भेज दूंगी, ठीक है? मैं पूरे ग्रुप में भेज दूंगी जिसके पास है, विदाउट annotations एंड वेरी क्लियर PDF, जैसे NCERT का PDF होता ना, वैसा चाहिए मुझे। आज फिर टास्क है, मुझे भेज देना, अभी भेज दो, पुराना एडिशन भी चलेगा, बस मुझे भेज दो। हाँ जी, मैं बात कर रही थी बेटा इस 16% बच्चों से, 16% स्टूडेंट्स हु आर सेइंग दैट दे ओनली हैव गॉट एनसीईआरटी पीडीएफ, दे ओनली हैव गॉट पीडीएफ ऑफ एनसीईआरटी। बेटा माय रिक्वेस्ट, माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू इज प्लीज बाय एन एनसीईआरटी, खरीद लो एक लेटेस्ट एनसीईआरटी खरीद लो। कितनी आएगी? 350 से ज्यादा नहीं है, मैक्सिमम 400 यानी 500 में दोनों बुक्स आ जाती है, ठीक है? 500 में आ जाएगी, 500 से ज्यादा की नहीं है मुझे ऐसा लगता है। क्या लगता है? 500 नहीं तो 600, कितने की बुक है? कितने की है? 230 की है क्या? अंडर 500 है बुक्स, है ना? यस, अंडर 500 बुक्स है। प्लीज 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 बाय इट। पीडीएफ से नहीं पढ़ा जाता है, आप कुछ भी कह लो, कितने भी तुम कंप्यूटर वाले निकलो, कितने भी एडवांस निकलो कि मैम मेरे पास आईपैड है, मेरे पास ये है, कितने भी तुम्हारे पास पैड्स हैं, बड़ा फोन है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम्हारे पास लैपटॉप है, बट प्लीज बाय एन एनसीईआरटी, यू नीड इट। यस, यू सीरियसली नीड इट, बिकॉज जो फीलिंग है ना ऐसे अंडरलाइन करने की, हाईलाइट करने की, और फिर जो मेमोरी है, फोटोजेनिक मेमोरी मैटर्स बेटा। देखो एनसीईआरटी तुम्हें इसीलिए नहीं पढ़ाई जा रही, या मैं बारी बारी इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि यू नो जस्ट आई मीन इट हैज अ रीजन। तुम पढ़ने को सिर्फ मेरे नोट्स भी पढ़ जाओ, तुम्हारा पेपर हो जाएगा, बट आई वॉन्ट यू टू क्रिएट अ फोटोजेनिक मेमोरी। इसीलिए बोला जा रहा है कि बारी बारी रिपीटेडली पढ़ो, तुम्हें याद हो जाना चाहिए कि पेज पे ईयर में इस जगह पर ये डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम के नीचे ये लिखा हुआ है। ये तभी होगा जब आप एक काम को बारी बारी करते हैं। Yes, एक काम को जब आप बारी बारी करते हैं तभी हो सकता है, वो है कि नहीं? एक मूवी को जब मैं 10 बारी देख लेती हूँ तभी मुझे पता चलता है ना कि करीना कपूर ने अपनी शादी पे पिंक कलर का लहंगा पहना था। एक बारी देखने से तो नहीं याद रहेगा कि उसने किस कलर का लहंगा पहना था, राइट? विकी कैटरीना की शादी में हम वहां पर ढूंढ रहे हैं कि कहां उसकी मेहंदी में विकी लगा है, क्या एक बारी देखने से पता चल गया तुम्हें? नहीं पता चला। यू विल जूम 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 देखोगे, बारी बारी देखोगे, फिर जाकर मिलेगा। दीज आर जस्ट एन एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है? तो आई वॉन्ट यू टू क्रिएट द फोटोजेनिक मेमोरी। जब तुम्हारे सामने क्वेश्चन आए तो तुम बोलो कि मैम ये पेज पे ये डायग्राम भी था, ऐसा दिखता था, वो मेमोरी क्रिएट करनी है। इसीलिए हर बच्चे के पास एक एनसीईआरटी होनी चाहिए। अगर ओल्ड है इट्स ओके, अगर नहीं है, नया खरीदना है तो नया वाला खरीदो। देखो मैं तो सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपके पास ओल्ड भी है तो प्लीज बाय अ न्यू वन, एक नया एडिशन ले लो, तुम्हें बेनिफिट होगा। अगर आप साफ सुथरी एनसीईआरटी से रिवाइज करेंगे 2 महीने बाद तो आपको ही अच्छा लगेगा। एक एक्स्ट्रा बुक इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी हार्म, अंडर 500 बुक्स, ठीक है? अगर आप ले सकते हैं तो ले लीजिए, नहीं ले मतलब एक भी नहीं है तो लेना ही लेना है, कहीं से भी पैसे जुटाओ और लो। नहीं ले पा रहे हो मुझे बताओ, आई विल बाय योर एनसीईआरटी, आई विल गिव यू एनसीईआरटी, बिकॉज मैं चाहती हूँ हर बच्चे के पास ये रिसोर्स हो, इसके बिना तो नीट हो ही नहीं सकता। अगर तुम्हारे पास एक ऑलरेडी है, थोड़ा पुराना है, मान लो 4 साल पुराना है, तो तुम एक नया इन्वेस्ट कर सकते हो। 2014 के साधव नया लो, प्लीज नया लो, ठीक है? यस, हाँ जी। अब एक बच्चे का बड़ा अच्छा डाउट आया, लेट मी शो यू, नासिफा का। नासिफा इज सेइंग दैट मैम आउट ऑफ एनसीईआरटी मींस कौन से बुक से पढ़ाई करूं? बेटा आउट ऑफ एनसीईआरटी मींस अपने टीचर के नोट से पढ़ाई करो। नो बुक इज रिक्वायर्ड, नो बुक कैन रिप्लेस द नोट्स। हर बुक में ओवर एक्स्ट्रा दिया हुआ है, योर ट्रू मैन कोचिंग मॉड्यूल्स, मतलब मैं कोचिंग के नाम नहीं लेना चाहती हूँ, कौन कौन से कोचिंग है या कौन कौन सी बुक्स है, ट्रू मैन है, प्रदीप है, दिनेश है,
कोई बुक नहीं लेनी, नॉट इवन अ सिंगल बुक, उसका पीडीएफ तक नहीं रखना तुमको, तुमको सिर्फ मेरे नोट्स देखने हैं और उन नोट्स के अलावा नो मॉड्यूल, नथिंग, कुछ नहीं चाहिए तुमको, दैट्स इट, यू डोंट नीड, यू जस्ट नीड आउट ऑफ एनसीईआरटी के लिए नोट्स, नोट्स में तुम्हारा एनसीईआरटी भी कवर्ड है, नोट्स में तुम्हारा आउट ऑफ एनसीईआरटी OON भी साथ में कवर हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद तुम लोग एनसीईआरटी पढ़ लोगे। ये जो बच्चे यहाँ पर मुझे यू नो वो बोलते मैम मेरे पास तो कैम्बल है, कौन है ये बच्चे कैम्बल वाले, मैम मेरे पास तो टॉट रॉ है, मेरे पास तो यार फिजिक्स की भी एक ना फॉरेन ऑथर की बुक आती है, मैं ना भूल गई नाम, फॉरेन ऑथर जो ना फिजिक्स के भी आते हैं बेटा, कौन सी आती है फिजिक्स की फॉरेन ऑथर की, हेलिडे, यस यस, एक्स से ना, इरोडॉव, इरोडॉव, यस यस एब्सोल्युटली। अब यार इरोडॉव कर रहे हैं लेकिन हमें उसका बेसिक एनसीईआरटी नहीं आ रहा है, क्या फायदा, कैम्बल पढ़ रहे हैं बेसिक बेटा एनसीईआरटी पे सवाल पूछ रही हूँ वो नहीं आ पा रहा है ना। तो ये चीज मेरी क्लास में कोई बच्चा ना करे, मुझे अपनी क्लास में हीरो नहीं चाहिए, ना ही मुझे हीरो बनाना है जो ये बड़ी बड़ी बुक पढ़ पाए, ये बुक्स अच्छी है, मैं ये नहीं कहती अच्छी नहीं है, दे आर रियली गुड बुक्स, बट दे आर गुड फॉर द डिपिक्शन, ठीक है, आपको कोई डायग्राम अच्छे से देखना है, आपको कोई मैकेनिज्म अच्छे से देखना है, लेकिन अब तुम्हारे पास समय नहीं है, यू हैव 6 months, ये उस बच्चे के लिए है बेटा जो 9th class से पढ़ाई कर रहा है नीट की, ये उस बच्चे के लिए जो 8th class से पढ़ाई कर रहा है नीट की, ये उस बच्चे के लिए नहीं है बेटा जिसने अभी शुरू किया है, ठीक है, ये बुक अच्छी है लेकिन उसके लिए अगर तुम 8th से शुरू करते, 9th से शुरू करते तो छोटी छोटी चीजें आप उससे रेफर कर सकते थे। आप कहाँ कब शुरू कर रहे हैं, अभी, हो सकता है अगले साल शुरू कर रहे हो 2 तारीख से जब मैं कोर्स शुरू कर रही हूँ, अगर तुम 2 तारीख से शुरू करने वाले हो तो इस बुक को तो त्याग दो, बंद कर दो, बक्से में, ट्रंक में डाल दो, बेड के अंदर डाल दो, ये नहीं उठाने दूंगी मैं तुम्हें, उठाने ही नहीं दूंगी तुम्हें, सिर्फ मैं एक बुक उठाने दूंगी, दैट इज एनसीईआरटी, बस बस, प्लस तुम्हारे पास आपके नोट्स होने चाहिए, साथ ही में मैं तुम्हें इतने सवाल करा दूंगी तो शायद तुम्हें फिंगर टिप्स चाहिए भी नहीं, आप मुझे फिंगर टिप्स का पीडीएफ भेजो, हम रेगुलर उसके क्वेश्चन इकट्ठे बैठ के सॉल्व करेंगे, यस वी विल सॉल्व इट टुगेदर, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं उसमें से मार्क करके लेके आऊंगी, ठीक है। ये बुक मेरे सामने कोई बात भी नहीं करेगा, अगर कोई बात करेगा तो वो क्लास से चला जाए, मुझे नहीं चाहिए वो बच्चा, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसे बच्चे चाहिए ही नहीं है बेटा जो ज्यादा हीरो बने, हमें तो बेटा सादे से बच्चे चाहिए और सिंपल बच्चे ही नीट में जाएंगे, मैं आपको बता दूं, सिंपल चाइल्ड चाहिए। अब तुम्हें देख लो तुम्हें कब नीट देना है, अगर तुम्हें लगता है कि यार तुम्हें नीट अगले 3 साल बाद देना है, इफ यू वांट टू अपीयर इन 2025 तो पढ़ लेना, इफ यू वांट टू अपीयर इन 2022 एंड गेट कॉलेज तो मत पढ़ना, ठीक है, यस। सो क्या आपका ये डाउट, ये मैं 4 क्वेश्चन यहां पर लिखूंगी, क्या आपके 4 क्वेश्चन के डाउट यहां पर क्लियर हुए? सबसे पहला क्वेश्चन, Yes, is this doubt clear? एक मिनट, सरस्वती क्या कह रही है, मैम ये है क्या आपका टेलीग्राम, इज इट सो, ये क्या लिखा हुआ, हाँ जी यस यही है, @seepahuja, हाँ जी यही, ठीक है, चलिए ये डाउट क्लियर हो गया। हाँ जी, व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ स्टडिंग, ऑर्डर ऑफ स्टडिंग वाला डाउट क्लियर है सबको, क्या ऑर्डर होना चाहिए आपका पढ़ने का, कैसे पढ़ाई करनी है, अच्छा क्या इसका आंसर मिल गया है, when are we starting? When are we starting that 100-day thing? When are we starting? बताओ इसका आंसर, कब स्टार्ट कर रहे हैं? सेकेंड जैन से, ठीक है। क्या इसका आंसर मिल गया है, How to study out of NCERT topic? How to study out of NCERT topic? What is the source of this? क्या source है बेटा, ठीक है। Then क्या इसका आंसर मिल गया है, Why is it necessary to practice
एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन. व्हाई इज इट नेसेसरी टू प्रैक्टिस एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस? क्या इसका आंसर मिल चुका है? यस, क्यों जरूरी है? थ्री इडियट्स याद कर लेना, सूर्यवंशी याद कर लेना. सूर्यवंशी में अक्षय कुमार के जूते का कलर देखने के लिए तुम्हें वापस किताब, वापस मूवी देखनी पड़ेगी. तो जब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा जो नहीं समझ आ रहा है, उसको देखने के लिए तुम वापस एनसीईआरटी उठाओगे. उठाओगे तो वो पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ोगे. पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो बेटा ऑटोमेटिकली तुम्हारी रिविजन हो रही है. तुम एनसीईआरटी करते जा रहे हो, यू आर नॉट रियलाइजिंग. तुम्हारे अंदर वो चीज एस्टैब्लिश होती जा रही है, मतलब छपती जा रही है. इट इज गेटिंग प्रिंटेड इन योर माइंड. Yes, it is getting printed in your mind. तो प्रिंट करना है तो साथ में जुड़ना पड़ेगा. प्रिंट करना है तो एवरी डे डबल मेहनत करनी पड़ेगी. बेटा मेरा भी अगला वाला साल जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आई एम टेकिंग अ वेरी बिग डिसीजन. वेरी बिग डिसीजन जिसमें आई हैव टू वर्क डबल. देखो मैं आई डोंट गेट पेड फॉर दैट, ठीक है? आई एम गोइंग टू वर्क डबल द नंबर ऑफ आवर्स जितना मैं पहले करती थी. ये सिर्फ मैंने इसलिए सोचा है क्योंकि मैं अपने बच्चों को 100% देना चाहती हूँ. 100% पिछली बारी नहीं मिल पाया है, सिर्फ 50% मैंने आपको कराया था, लेकिन अब इट इज गोइंग टू बी 110% फ्रॉम माय साइड. मैं डबल काम करूंगी तो क्या तुम लोग काम नहीं कर सकते? बेटो पेपर तो तुम्हारा है, पेपर मेरा थोड़ा है. आई एम गोइंग टू वर्क डबल. 12th बोर्ड्स हो जाएंगे यार, 12th बोर्ड्स का सारा टॉपिक यहाँ हो जाएगा. बोर्ड्स को मत इतना ध्यान दो. बोर्ड्स में बेटा जो भी आता है तुम्हारा, बोर्ड्स में जो भी चैप्टर आएंगे वो नीट में भी आ रहे हैं ना. बोर्ड्स में बेटा तुम उसकी एनसीईआरटी में तुम्हें रिवाइज करा दूंगी. आई विल रिवाइज इट. जैसे हमने इस बारी मैराथन किया था बोर्ड से दो दिन पहले, आई विल मेक अ मैराथन फॉर यू एंड यू विल बी लाइक कि मुझे बोर्ड्स का आता है. कोई इतना बड़ी बात नहीं है, बोर्ड्स की तुम टेंशन मत लो. और बोर्ड्स में बेटा 96% की जगह तुम्हारे 94 आ गए, 94 की जगह 84 आ गए, 84 की जगह 74 भी आ गए. इट्स ओके, इट्स ओके. एम्स वाले मना कर देंगे क्या तुमको? और अगर तुम नीट मेरे साथ अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, बोर्ड्स में तुम्हारे 96 ही लेकर आऊंगी. ये मेरी गारंटी है बेटा, दिस इज माय गारंटी कि तुम इतना ले आओगे. यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट. सेम ही तो सिलेबस है, कम ही आता है बोर्ड्स में, ज्यादा थोड़ा आता है. तो बोर्ड्स की बेटा टेंशन मत लो. इनफैक्ट महाराष्ट्र बोर्ड या वेस्ट बंगाल बोर्ड जिसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा आता है, वो बेटा आप थोड़ी सी मेहनत आपको बोर्ड्स के टाइम पे करनी पड़ेगी, अभी नहीं करनी पड़ेगी. सीबीएसई वालों के लिए तो इट्स इजी, बट बाकी के बोर्ड्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा जब आपके बोर्ड वाले पेपर होंगे, ठीक है? तब हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेंगे, तब हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेंगे. बोर्ड्स भी कब है आपको याद होगा कि आपके टर्म टू कब है? टर्म टू बेटा अप्रैल में लिखा हुआ है, अप्रैल में ही लिखा हुआ है. नहीं नहीं नहीं, टर्म टू बेटा लिखा कब का हुआ है? अप्रैल और मई में लिखा हुआ, मार्च नहीं लिखा हुआ. आई गेस आई हैव रेड द नोटिफिकेशन. आई हैव रेड द नोटिफिकेशन. आ गया नोटिफिकेशन, मार्च अप्रैल लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ बेटा? अरे श्योर 4 अप्रैल से बोर्ड एग्जाम है. तो भैया 4 अप्रैल से है, हम अपने इस कोर्स को थोड़ा जल्दी रैप अप कर देंगे. 10th की जगह बेटा 31st मार्च को करने की कोशिश करेंगे. फिर तो हो जाएगा, हो जाएगा. स्टेट नहीं बात कर रहे हो यार, स्टेट नहीं. सीबीएसई मेरे ख्याल से अप्रैल मई में लिखा हुआ है. अप्रैल से पहले वैसे ही सीबीएसई नहीं होगा, ये मुझे 100% है. मैं सीबीएसई देख सकती हूँ बेटा. अब यहाँ पर 29 states हैं, आई कैन नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू 29 states, ठीक है? तो बाकी के रिस्पेक्टिव स्टेट्स अपने हिसाब से करेंगे, बट आई कैन वर्क टू द स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड जो मैक्सिमम बच्चे फॉलो करते हैं वो है अपना सीबीएसई. तो प्लीज उसके साथ आप कोप अप करिए, ठीक है? कोप अप करिए इसके साथ. तो वॉट आई वॉन्ट फ्रॉम यू इज कि अब आपको इन क्वेश्चन का ना कहीं आंसर ढूंढना है, ना इसको YouTube पे सर्च करना है, ना इसको Google पे सर्च करना है. मैं आपको बताऊंगी कि किस चैप्टर में कितना एक्स्ट्रा जाना है. जिसमें नहीं जाना वो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड ही होगा. और अगर मैं एक्स्ट्रा लिखवा रही हूं, मैं उसमें मार्क करा दूंगी कि ये एक्स्ट्रा है, तुमको छोड़ रहा है तुम छोड़ दो. 720 लेके आने तो कर लो, क्योंकि इस बारी भी एक्सपेक्टेड क्या है, इस बारे भी बेटा एक्सपेक्टेड है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी आएगा. अगर सेक्शन ए और सेक्शन बी आया, सेक्शन बी में बेटा डिफिकल्ट सवाल होते हैं, पिछली बारी भी आए थे, और वहां पे आउट ऑफ एनसीईआरटी भी कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जा सकता है. तो सेक्शन बी में नो डाउट हमें 10 करने थे. इफ यू रिमेंबर हमको कितने करने थे? 10 करने थे. फिर भी उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको हो सकता है थोड़े थोड़े ऐसे पॉइंट्स बताऊं जो कि बाहर से हूं, लेकिन मैं उसको अच्छे से हाईलाइट करा दूंगी कि यार ये एक्स्ट्रा है, तुम्हारे माइंड में जगह हो तो कर लो, नहीं है जगह तो बेटा बाकी के पॉइंट्स कर लो.
ठीक है, बट मैं उस बच्चे के लिए काम करती हूँ जो बच्चा 720 ले सकता है. मेरी क्लास कभी भी अंडर स्टैंडर्ड नहीं होगी. ठीक है, अंडर स्टैंडर्ड मतलब यानी कि 620 के लिए क्लास नहीं होगी. मेरी क्लास में सब बच्चे बैठेंगे और उसी क्लास में से आपका 720 वाला बच्चा भी निकलेगा, 620 वाला भी अगर उसने अच्छे से नहीं किया, और बीच में बच्चे भी निकलेंगे. क्लासेस आर नॉट गोइंग टू बी सेपरेट फॉर द टॉपर एंड फॉर एन एवरेज स्टूडेंट. मुझे बहुत बुरी बात लगती है कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, वो लोग अपने स्कॉलर्स को उठाकर जिन्होंने 10th में अच्छे मार्क्स लिए होते हैं या उनके स्कॉलरशिप टेस्ट में अच्छे मार्क्स लिए होते हैं, उनको उठाकर एक अलग बैच बना देते हैं. देखा है आपने? इवन इनफैक्ट स्कूल भी ऐसा करता है, स्कूल भी ऐसा करता है. दे पिक अप द यू नो द क्रीमी लेयर एंड दे मेक अ सेपरेट बैच एंड दे गिव देम सेपरेट एडवांटेजेस. दे गिव देम यू नो अलग से बुक्स देंगे, अलग से टेस्ट लेंगे उनका. बेटा वो कौन है? आई हेट दैट कॉन्सेप्ट. मेरे को लगता है कि हर बच्चा जो आज 500 पर भी है, वो बच्चा कल 720 पे हो सकता है. लेकिन आप उसे उस लेवल का पढ़ाओ तो, आप उसे उस लेवल का पढ़ाओ तो, लेवल का पढ़ाओगे नहीं बेटा, वो 720 कैसे लेके जाएगा? वो तो 620 पे तक भी नहीं आ पाएगा अगर उसे अंडर स्टैंडर्ड पढ़ाओगे, है ना. तो मेरे लिए हर बच्चा एक समान है. मेरी क्लास में कोई बाइफरकेशन नहीं है कि तू स्कॉलर है, तू एवरेज है, तू बिलो एवरेज है, या तू बिल्कुल निकम्मा है. नहीं, अगर आप निकम्मे भी हैं, आपको मैं उठा के यहां तक ले आऊंगी. अगर आप यहाँ पे बिलो एवरेज भी हैं, आपको मैं उठाकर यहाँ पर ले आऊंगी. लेकिन जुड़ना पड़ेगा. यस, जुड़ना पड़ेगा. अब मैं आपसे पूछना चाहती थी कि एक क्लास मेरी यूट्यूब पे होती है 3:30 बजे. डज 11:30 AM टाइम सूट्स यू फॉर माई सेकेंड यूट्यूब क्लास? Does it suit you? मैं प्लस चेंज कर दूंगी, प्लस 12 बजे नहीं रखेंगे. क्यों नहीं सूट करती? What is that? 11:30 बजे क्या है? क्या 11:30 बजे आपका स्कूल होता है? किस बच्चे का स्कूल होता है? How many students visit school? जिसको 11:30 बजे स्कूल का दिक्कत है, सिर्फ वही यस क्लिक करेंगे, सिर्फ वही यस क्लिक करेंगे. जिसका स्कूल होता है, only they, those people will click yes. Then what should be the time, beta? What should be the time? What should be the time? AM नहीं हो सकता बेटा. I don't wake up this early. ABCD. अरे ये कैसा पोल है? इसको बराबर मिल रहे हैं, 1 और 5 को बराबर मिल रहे हैं. सबसे ज्यादा 38% मिल रहा है 6 को, बट इतना अच्छे से बाजी मारा नहीं है. मतलब वो बाजी नहीं मारी असली. मैं पोल जनरेट कराऊंगी टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पे पूछूंगी कि यार क्या टाइम चाहिए. अब यार 3:30 वाली क्लास 5 बजे खत्म होगी, अगली क्लास मैं कैसे 6 बजे शुरू कर लूं? तुम्हारे लिए भी टफ है ना. एक क्लास तो बेटा 3:30 रहेगी. अगर वो क्लास हम 4:30 तक या 5 तक, 4:45 तक ले रहे हैं, हाउ कैन वी स्टार्ट एट 6? इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. 7 and 8 are too late for me. कर लोगे तो बताओ बेटा. मैं तो कर लूंगी 5 बजे खत्म करके. I can start at 6, but I want you. But मैं मॉर्निंग का टाइम चाहती थी. I wanted before 3:30 PM हम इसको निपटा दें. हम 3:30 से पहले बेटा इसको निपटाना चाहते हैं. मॉर्निंग क्लास रखना चाहते हैं because I want you to become morning persons. इवनिंग नहीं, इवनिंग में तुम सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ स्टडी करो बेटा इवनिंग में. टेन एम, 11 AM, 12 PM, 1 PM, 1 भी नहीं है, 1 भी हटा दो. आर यू कंफर्टेबल विथ 10 और 11?
ओके, लेट मी सी द फ्री स्लॉट्स. चलो इस पे बाद में डिस्कशन करते हैं. लेट मी फ्री द सी द फ्री स्लॉट्स. आई नीड टू स्लॉट्स गाइस. मुझे दो स्लॉट्स चाहिए होते हैं. ठीक है, मैं दो स्लॉट्स चाहती हूँ. अभी मैं पहले चैनल पे फ्री स्लॉट्स देखूंगी एंड देन मैं आपसे पूछूंगी. ठीक है, अभी इस पे बात करने का कोई मतलब नहीं है. चैनल पे देखते हैं एंड फिर पूछते हैं. ठीक है, ओके. सो फाइनली दिस वाज द सेशन. आई बिलीव बेटा ये सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. आपको पता चला होगा कि यार पढ़ाई करनी है तो कैसे करनी है और क्या हम अगले 3 महीने में कर सकते हैं. और मैं आपको लिख के दे रही हूँ बेटा, अगर आपने पूरा कोर्स अटेंड कर लिया, बायोलॉजी इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, 360 मैं लेकर आऊंगी. फिजिक्स केमिस्ट्री तुम साइमल्टेनियसली किसी अच्छी जगह से करते रहो प्लीज. वो आप खुद समझते हैं कि आपको किसका समझ आता है. हाँ जी बेटा बोलिए तेजस्वी. क्या मैम, डाउट बॉक्स में आप मेरा डाउट देख लो. मैम डाउट बॉक्स में आप मेरा डाउट देख लो, बहुत बड़ा डाउट है, मैं बोलने में तो टाइम नहीं होगा. अच्छा ये डाउट है, नोट्स कंप्लीट करने में और लेक्चर अटेंड करने में पूरा दिन निकल जाता है. हाँ मैम. बड़े सारे डाउट्स है, एक नहीं है. टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, फिर प्रैक्टिस के लिए टाइम कैसे निकालूं. ओके ठीक हाँ है, मैम. चलिए 1 मिनट रुको. सो द डाउट इज, नोट्स कंप्लीट करने में और लेक्चर अटेंड करने में पूरा दिन निकल जाता है. सबसे पहले बेटा नोट्स कंप्लीट आपको आफ्टर लेक्चर नहीं करने, ये बहुत बच्चों की प्रॉब्लम होगी. आफ्टर लेक्चर आप नोट्स कंप्लीट नहीं करेंगे, ड्यूरिंग लेक्चर आपने जो लिख लिया, जो आपकी हैंडराइटिंग है, बस वही तुम्हारे नोट्स है. आफ्टर लेक्चर यू विल नॉट फेयर देम, क्लास में करना है. हर टीचर इतना समय देता है, मुझे लगता है बायोलॉजी वाला तो देता ही है, उसको पता है बच्चा लिख रहा है, उसको पता है बाद में लिखेगा तो ह्यूज प्रॉब्लम है. इतना बच्चा दे, इतना टीचर देता है, तो ये वाला प्रॉब्लम तो सॉल्व की तुम्हें क्लास के दौरान नोट्स बनाने हैं. दूसरी चीज, लेक्चर अटेंड करने में पूरा दिन निकल जाता है. अब प्रायोरिटाइज गाइस, प्रायोरिटाइज कि 7 आवर्स से ज्यादा मैं लेक्चर नहीं देखूंगी. इसके बाद मेरा स्ट्रिक्टली किसका टाइम है, सेल्फ स्टडी का टाइम है. आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, कहाँ से आप बेस्ट अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, किससे आपकी ट्यूरिंग बैठ रही है. हो सकता है 4 टीचर एक सब्जेक्ट के आपको अच्छे लगते हैं, चारों को नहीं देख सकते यार, इम्पॉसिबल, नहीं देख सकते. कोई एक चूज करना पड़ेगा, प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी. ठीक है, तो आपको लेक्चर 7-8 घंटे, उसके अलावा बाकी का टाइम सेल्फ स्टडी. तो जो 7-8 घंटे तुम लेक्चर देख रहे हो उसमें प्रायोरिटी सेट करो कि यार मुझे कौन सा टॉपिक करना है. कई बार ऐसा होता है कि मुझे टीचरों से मतलब मेरा चॉइस नहीं है, मेरा चॉइस है टॉपिक्स का. कई बार आप ऐसा टॉपिक टीचर पढ़ा रहा होता है जो आपको आता है, छोड़ दो उस टाइम पे, उसी का सेल्फ स्टडी कर लो. ठीक है, कई बार टीचर ऐसा टॉपिक पढ़ा रहे हैं जिसमें आपको थोड़ा सा भी डाउट है, उसको अटेंड कर लो. तो बिल्कुल ब्लाइंड नहीं होना, यू हैव टू स्टडी स्मार्ट. स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी और अपने खाने पीने, सोने, फोन पे बात करने, अपने दोस्तों से चैटिंग करना, उसका टाइम काटना पड़ेगा, उसका टाइम काटना पड़ेगा. यू हैव टू गाइज लीव एवरीथिंग विच इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू योर नीट एग्जामिनेशन, विच इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू नीट. जो नीट में हेल्प नहीं कर रहा उसको छोड़ो, वो तुम्हारा दोस्त भी हो सकता है, वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हो सकता है. वो नीट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा, आपको उसे छोड़ना पड़ेगा. मैं छोड़ने पे ये नहीं कहती हूँ कि ब्रेकअप, बट एटलीस्ट वी कैन गिव अ पॉज, गिव ब्रेक टू दैट रिलेशनशिप. और वो ब्रेक ऐसा नहीं होना चाहिए हर रात को बेटा वो ब्रेक टूट रहा है. ठीक है, वो ब्रेक शुड बी फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स एंड इट शुड बी वेरी वेरी डिटर्मिंड विल पावर वाला ब्रेक. जिन्होंने जो लोग डॉक्टर बनते हैं बेटा, उनके पास समय ही समय है बाद में ये सब करने का, समय ही समय. अच्छी से अच्छी लड़कियां लड़के मिलेंगे, लेकिन आपको अभी का टाइम आप नहीं वेस्ट कर सकते. यू डोंट हैव टाइम, आप समझ नहीं रहे हो यार. आप लोग ना बॉक्स में 60 बॉक्स में ना कितने दिन बचे, 6 मंथ्स बचे हैं. आप बॉक्स में तकरीबन 6 मंथ्स को डिवाइड कर लो, पर मंथ 6 वो रखो. ठीक है, 6 टॉफीज रखो, हर महीने एक टॉफी निकालते जाओ बेटा. वो टॉफी वापस नहीं आ सकती, तुम्हारे पास टॉफीज कम होती जा रही है धीरे 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 धीरे. यू आर नॉट रियलाइजिंग, कभी तुम्हारे पास एक टॉफी भी रह जाएगी और सिलेबस आज भी उतना ही बचा होगा. प्लीज टेक इट सीरियसली, सीरियसली कर ले यार. अगर दूसरे से फ्रेंडशिप कर लेगा नेहा इससे, तो बेटा अच्छी बात है, तुम्हें अब पता चल गया. ही वॉज फेक, वैसे भी ही वॉज फेक, तो अच्छी बात है तुम्हें आज पता चल गया है ना.
जिसको डॉक्टर बनना है भैया वो सब कुछ छोड़ेगा, जिसको टाइम पास करना है वो यार टाइम पास करो, बहुत लोग हैं यार, बातें करो, चैट बॉक्स में आओ, दोस्त बनाओ, दोस्तियां निभाओ, पूछो बेबी तुमने खाना खाया नहीं खाया, क्या सीन है तुम्हारा, नहाए नहीं नहाए, ये सब चीजें टाइम ही टाइम है बेटा। तो यू हैव टू मेक अ चॉइस, मैंने बोला ना यहाँ पर प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। प्रायोरिटाइज का क्या मतलब होगा, आपको चॉइस बनानी पड़ेगी, हर दिन आपकी चॉइस आपको आपके एम तक लेके जाएगी। अगर आपकी चॉइस आपके दोस्त हैं, आपके रिलेशनशिप्स हैं, आपका फोन है, आपके कॉमेडी सीरियल्स हैं, आपकी गेम्स हैं, देन आप उसी जगह पे पहुंचेंगे बेटा, दैट प्लेस इज नो वेयर। फिर तुम पूछोगे मैम नीट के बाद एमबीबीएस के अलावा और क्या कर सकते हैं, फिर तुम ये पूछोगे, मैं वो भी बताऊंगी तुमको, आई विल टेल यू दैट। बट अगर आपकी चॉइस नीट है, अगर आपकी चॉइस डॉक्टर बनना है, तो आपको अपने दिन में भी वो चॉइसेस लानी पड़ेंगी जो आपको वहां लेके जाएंगी। योर चॉइसेस विल डिटरमिन व्हाट यू आर गोइंग टू बिकम आफ्टर 6 months। सो आपकी मर्जी है, आप किसी को भी चूज कीजिए, ठीक है, आप किसी को भी चूज करिए। अगर आप सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं तो ही बेटा सपना देखो, वरना ये मैमसी वीएमएमसी एम्स में जाने के लिए बहुत बच्चे हैं बेटा जिन्होंने ऑलरेडी ये सब छोड़ रखा है। कितने बच्चे हैं यहाँ, तकरीबन 300 बच्चा जाएगा, यहाँ भी तकरीबन 200-300 बच्चा जाएगा, यानी ये अपने मोटे मोटे कॉलेजेस में अराउंड 1000 और 500 सीट्स हैं। तो आपको क्या लगता है इंडिया में 1000 बच्चों ने सब कुछ छोड़ नहीं रखा होगा? देयर आर लैक्स ऑफ स्टूडेंट, 17 लाख में से क्या 1000 बच्चों ने सब कुछ छोड़ नहीं रखा होगा? रखा होगा बेटा, आप उनसे कम्पीट कर रहे हो, आप उनसे कम्पीट करने वाले हो, सो चॉइस इज योर्स, ठीक है। बच्चे ऑलरेडी ये सब चीजें छोड़ के बैठे हैं, और वो भी 8th क्लास से छोड़ के बैठे हैं, आज नहीं छोड़ रहे, तुम्हारे पास 6 महीने बचे हैं, तुम आज जागरूक हो रहे हो, आज भी तुम्हें टेंशन है कि मैंने उसे छोड़ दिया तो वो किसी और को पकड़ लेगा, तो बेटा कोई बात नहीं, बच्चे तो बहुत हैं जो डिजर्व करते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है पहले तू डिजर्व कर फिर डिजायर करी, ठीक है, तो फर्स्ट डिजर्व दैट पोजिशन एंड देन डिजायर। डिजायर्स तुम्हारे बहुत बड़े बड़े हैं, डिजायर तो बेटा मेरा चांद पे जाने का है, लेकिन पहले मेहनत करो, डिजर्व करो उस चीज को, फिर डिजायर करना, उल्टा नहीं चलना है। यू गाइज डू द ऑपोजिट, यू डिजायर दैट थिंग फर्स्ट एंड देन यू वर्क टूवर्ड्स डिजर्विंग। ये नहीं, ऐसे नहीं काम करते बेटा, काम ऐसे करता है, पहले डिजर्व करो, क्या तुम में शक्ति है वो सब सैक्रिफाइस करने की, तो बेटा आगे बात करेंगे। अगर तुम सैक्रिफाइस नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, कंटिन्यू योर लाइफ, तुम भी कुछ ना कुछ बन जाओगे, वो 1000 बच्चे तो डॉक्टर ही बन जाएंगे, ये मुझे पता है, तुम तो कुछ ना कुछ बन ही जाओगे, हर बच्चा कुछ ना कुछ बन जाएगा, लेकिन ये जो 1000 बच्चे हैं ये तो 100% डॉक्टर बनेंगे, ठीक है। तो बड़ी मोटिवेशन हो गई, बट असली मोटिवेशन अंदर से आती है, खुद सोचना क्या करना है। मैं कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ 2 जान से, सब बच्चे उस कोर्स की इंफॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। मेरे सारे पुराने सेशंस बैकलॉग का समय है, अभी काफी है, परसों मैंने 25th of December को बेटा मैं न्यूरल करा रही हूँ, न्यूरॉन करा रही हूँ, न्यूरॉन में प्लस मैंने नर्व कंडक्शन सारा करा देना है, ये चीज जरूर अटेंड कर लेना। आज आई होप आपने वो अटेंड किया था, ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन मैंने डिटेल में कराया था, वन शॉट में अटेंड किया, अच्छी बात है, नहीं किया अगली बार ही आएगा तुम्हारा नंबर। अब मैं कराऊंगी नर्व कंडक्शन, ठीक है, 25 तारीख को, एंड 3 दिन में फिर हम लोकोमोशन खत्म कर देंगे नेक्स्ट मंथ आके, ठीक है, नेक्स्ट वीक आके। तो सब बच्चे ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लो अगर आपने नहीं किया। एक मुझे इंपॉर्टेंट चीज दिखानी थी, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड गाइस, I wanted to show you something. Yes, I wanted to beta show you something. जो बच्चे मेरे पुराने सेशंस देखना चाहते हैं, जो मेरे से पूछ रहे हैं, तो आप लोग बेटा गूगल पे जाइए, गूगल पे डालिए लिंक ट्री सीख पाहुजा, मेरा नाम है सीख पाहुजा, ठीक है, उसके साथ लिंक ट्री डालो, आपके सामने लिंक खुल जाएगा जिसका नाम होगा linktr.ee/seek.pahuja, ठीक है, उस पे मेरे सारे पुराने सेशंस आपके पास है, सारी पीडीएफ्स वहां पड़ी है, फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते हो। एक जो मैं आपको दिखाना चाहती थी वो ये चीज है जिसके लिए आप लोग इंतजार कर रहे हैं देखने के लिए,
यस, देर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू. मेरा बताना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत बच्चों के लिए एक रामबाण टाइप साबित हो सकती है. आप लोग अगर जज करना चाहते हैं दैट वेयर डू यू स्टैंड, वैसे तो आपने मुझे खुद बता दिया, आपने बेटा मुझे खुद बता दिया दैट वेयर डू यू स्टैंड. यू स्टैंड कि मैम मेरा 30% हुआ है, 40% हुआ है. तो टेस्ट देके देख लो. एक टेस्ट होने वाला है बेटा 26 दिसंबर को, संडे को, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर नीट. तो आप लोग इस टेस्ट में एनरोल कर सकते हो. मैं इसका लिंक भेज दूंगी टेलीग्राम पे, ठीक है? कोड लगा देना सीप लाइव, ठीक? यस, जिसमें इंटेंस कवरेज होगा. 5 टेस्ट है, इंटायर सिलेबस कवर करेंगे, ठीक है? यस, तो ये टेस्ट जरूर दे देना. एंड एक कॉम्बैट होने वाला है 2 जान को. 1-3 रैंक को 100% स्कॉलरशिप है. तो हर संडे 11 बजे कॉम्बैट होता है. अगले संडे होगा 26 दिसंबर को भी, 2 जान को भी, 11 11 बजे. 45 मिनट्स का टेस्ट है, 28 क्वेश्चंस है. राइट, डोंट मिस आउट दिस. मैं दोनों का आपको लिंक भेज दूंगी टेलीग्राम पे. बाकी आई विल टॉक टू यू मोर ऑन दिस, आई विल डिस्कस द डिटेल्ड प्लान. बट फॉर द टाइम बींग, जब तक हम शुरू नहीं करते हैं, जब तक हमारी रेगुलर क्लास 3:30 बजे वाली चल रही है, वो तो चलेगी ही चलेगी, उसको तुम्हें अटेंड करना है. और जो बचा हुआ समय है, टाइम इज मनी गाइज, टाइम इज सिलेक्शन. मैं बोलती हूँ सबको, टाइम इज सिलेक्शन. यूटिलाइज योर टाइम इन कम्प्लीटिंग योर बैकलॉग. जरूरी नहीं है बायो का हो, बायो का छोड़ दो, मैं कराऊंगी बायो का. 2 जान से मैं कराऊंगी, सब कुछ दोबारा कराऊंगी, टेंशन नहीं लेने का. लेकिन अगर तुम्हारा बैकलॉग बचता है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, तो प्लीज कंप्लीट दैट बैकलॉग नाउ. आप उसका एक दो चैप्टर निपटा डालो, मुश्किल से मुश्किल चैप्टर निपटा डालो. कभी तो उठाना ही पड़ेगा यार, कभी तो उठाना ही पड़ेगा. मन नहीं करता किसी का पुराना काम करने का. ड्रॉपर के लिए तो बहुत मुश्किल है, बट फिर भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है? तो बैकलॉग कंप्लीट करिए एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास. मिलते हैं बेटा, जुड़े रहना, ठीक है? फॉलो कर लेना मेरी प्रोफाइल अगर आपने नहीं करी हुई, एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ठीक? चलिए, अब एक बारी मुझे बता दो, क्या हमारे अंदर एक नया स्पार्क जगा? क्या हम फिर से जोश से भरे? क्या हमें मोटिवेटेड फील हुआ कि नहीं हुआ आज इस क्लास के बाद? आई शुड नो यार, तुम्हारा मैंने 1 घंटा ले लिया. 1 घंटा मैटर करता है तुम्हारी जिंदगी में. मैंने बोला टाइम इज सिलेक्शन. क्या ये टाइम का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? टाइम इज सिलेक्शन. यस, एवरी वन शुड बी फिल्ड अप, शुड बी पम्प्ड अप. जो हो गया हो गया. ऐसा नहीं है कि तुम अभी नहीं कर सकते हो, तुम कर सकते हो. मैं तुम्हें करवाऊंगी, मार मार के करवाऊंगी, बुला बुला के करवाऊंगी, लेकिन मैं करवाऊंगी. ये मेरा, मैंने अपने आप से प्रण लिया हुआ है. दिस इज माई प्रॉमिस टू माई सेल्फ दैट आई विल मेक यू 360 out of 360 इन बायोलॉजी इन नेक्स्ट 100 डेज, एंड दैट आई विल डू. मुझे कितनी मेहनत करनी पड़े बेटा, आई विल लीव एवरीथिंग. और उस समय पे तुम साइमल्टेनियसली मेरे से प्रॉमिस करोगे कि तुम जो मैं बोल रही हूँ वो कर रहे हो, एंड साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री भी कर रहे हो. क्योंकि मैं अकेली बायो से कुछ नहीं कर सकती, फिजिक्स केमिस्ट्री तुमको खोजना पड़ेगा. यस, एवरीवन इज रेडी विद मी टू क्रैक इट? बिल्कुल, वी विल क्रैक इट, फोड़ देंगे, मचा देंगे. ओके, चलो, टेक केयर. अच्छे से अपना रिवाइज करो, रिलैक्स करो. सब कुछ हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है लाइफ में. जिस दिन तुमने अपनी चॉइसेस बदल दी, उस दिन बेटा तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी. सो इट्स ऑल अबाउट मेकिंग करेक्ट चॉइसेस, ठीक? चलिए, बाय.